प्लास्टिक लाओ और चावल ले जाओ। जी हाँ, प्लास्टिक के से निजात पाने के लिए अंबाला जिला प्रशासन ने अनोखी पहल शुरू की है। प्रशासन ने लोगों को प्लास्टिक के बदले चावल देने की शुरुआत की है। प्रशासन की इस पहल से लोगों को खाने के लिए चावल मिल रहे हैं और साथ ही साथ शहर की भी सफाई हो रही है। से नो टू प्लास्टिक। जी हाँ, ये वो नारा है जिसे अंबले जामा पहनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार से लेकर सभी राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं। और अंबाला जिला प्रशासन ने अपने शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लिया है और एक अनोखी पहल शुरू कर दी है। जिला उपायुक्त की पहल के मुताबिक जो लोग वन टाइम यूज प्लास्टिक इकट्ठा करके जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए सेंटर्स में जमा कराएंगे, उन्हें प्लास्टिक के वजन के बराबर ही चावल दिए जाएंगे। प्रशासन के इस पहल के बाद लोग प्लास्टिक जमा करा रहे हैं और प्लास्टिक के वजन के बराबर चावल भी पा रहे हैं। टीम को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक रैक पिकर्स के लिए एक योजना बनाई है कि जितना भी प्लास्टिक या सिंगल यूज प्लास्टिक या पॉलीथीन लेके आएंगे उसके बदले उनको हम उसी वजन का चावल देंगे, ताकि जो ऐसा रैक पिकर है वह गरीब आदमी है उसके घर में भोजन बन जाएगा। और हमारा जो उद्देश्य है कि अंबाला शहर पॉलीथीन और प्लास्टिक फ्री हो वह सफल हो जाएगा, ऐसी योजना हमने इसलिए चलाई। प्रशासन के इस पहल से लोगों को खाने के लिए चावल मिल रहे हैं और साथ ही साथ शहर की भी सफाई हो रही है। आए थे 8 किलो 500 ग्राम वो दिए, कूड़ा दिया प्लास्टिक और लिए चावल दिए हमने। हमारे कितने चावल मिले आपको? 8 किलो 500 ग्राम ही मिले हैं। उससे हमारे फायदे के लिए दे रहा है। क्या क्या लगता है आपको इससे? अच्छा लगा हमें, इसलिए हम आए इतने दूर से यहाँ। तो ये कहाँ से इकट्ठा किया आपने सारा? एक चुगा कर कुड़ियों पे से, कबाड़े में से कल्ला कल्ला मम्मी प्लास्टिक ठीक करी हमने। अंबाला में चल रही ये प्लास्टिक लाओ चावल पाओ योजना आने वाले समय में कितनी कारगर साबित होगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रशासन द्वारा वितरित किए जा रहे ये चावल अंबाला के विभिन्न समाज सेवी लोगों और संस्थाओं ने उपलब्ध कराए हैं, लिहाजा साफ है कि हर कोई प्लास्टिक से निजात पाना चाहता है। जनता टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अंबाला जिला प्रशासन की इस अनोखी पहल से लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि जो लोग बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं वो इस तरीके से प्लास्टिक देकर चावल ले रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरप्रीत जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, काफी अच्छी पहल है और इस तरीके के कदम हमेशा उठाते रहने चाहिए, कितना रंग लाएगी ये मुहिम? देखिए, अपने आप में एक अनोखी ये पहल है और इसी तरह हरियाणा में अंबाला शहर से ये पहल अंबाला के उपायुक्त ने शुरू की है। सबसे पहली हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा में इस तरह की योजना जो है उपायुक्त ने शुरू की है, जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार भी वन टाइम यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगा रही है और उसका बंद करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उसकी तरफ अंबाला के उपायुक्त ने ये कदम उठाए हैं और ये योजना शुरू की है। साफ तौर पर उनका संदेश यही है कि शहर में जितना भी प्लास्टिक है, जितना भी वेस्ट मटेरियल प्लास्टिक है वो आप लेकर आइए, जितना वजन उस प्लास्टिक का होगा उतने ही चावल आप लोगों को दिए जाएंगे। जरूर जिस तरह से जो गरीब लोग हैं, जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, उनके लिए ये कारगर साबित हो रही है। पहले दिन इस मुहिम की जो शुरुआत थी वो काफी अच्छी देखने को मिली थी। दूसरा दिन भी आज है, 3 से 5 बजे तक का समय निर्धारित यहाँ पर किया गया है, तो निश्चित तौर पर काफी संख्या में आज भी वहाँ पर लोग पहुंचेंगे और इस योजना का लाभ उठाएंगे। अंबाला के उपायुक्त से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया था कि जितना प्लास्टिक का होगा उतने ही वजन के चावल जो है वो अच्छी क्वालिटी के साफ सुथरे चावल जो है वो इन लोगों को दिए जाएंगे। वहीं लोगों की माने जो लोग प्लास्टिक लेकर वहां पर पहुंच रहे थे, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि इससे शहर तो साफ होगा ही होगा, साथ ही उन्हें खाने के लिए चावल भी मिलेंगे। जी हरप्रीत, ये मुहिम कब तक चलेगी? क्योंकि अमूमन क्या देखा जाता है कि मुहिमें चलती हैं और फिर बंद हो जाती है, वापस पूरी जिंदगी वही ढर्रे पर आ जाती है, तो ये मुहिम कब तक चलने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती तौर पर इस मुहिम की शुरुआत अंबाला में अभी 20 तारीख तक जारी रहेगी। उसके बाद अंबाला उपायुक्त ने बताया था कि इसके अगर यह मुहिम कारगर अंबाला में साबित होती है तो इसके लिए मनोहर लाल खट्टर की सरकार को एक पत्र लिखा जाएगा, उसमें इस मुहिम की रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी
20 नवंबर तक ये मुहिम जो जारी रहने वाली है, और उसके बाद मनोहर लाल खट्टर को एक पत्र लिखकर इसकी जो रिपोर्ट है वो तैयार करके दी जाएगी कि अंबाला में इस मुहिम को चलाया गया था और इसके ये परिणाम निकले हैं। तो जरूर कहीं ना कहीं सरकार को अगर ये मुहिम अच्छी लगती है और इसके रिजल्ट अच्छे लगते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में पूरे प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में मुहिम चलती हुई नजर आए। जी हरप्रीत, पत्र के बाद वो इस मामले में संज्ञान लेंगे और आगे की चीजें करेंगे इसी तरीके से, लेकिन इस वक्त जो चावल उपलब्ध करवाए जा रहे हैं वो किसकी तरफ से किया जा रहा है, मुहिम कौन चला रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इस मुहिम की जो शुरुआत है वो अंबाला के उपायुक्त जो है अशोक कुमार, उन्होंने अपने दम पर इसकी। और अशोक कुमार अंबाला के डीसी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक जी, काफी अच्छी पहल रह रही है और लोग भी काफी उत्साह है इस चीज को लेकर, गरीब लोग पहुंच रहे हैं लगातार प्लास्टिक लेकर। जी शुक्रिया। जी हमारा एक्चुअल उद्देश्य ये है कि जो अंबाला में जो हमारे सिंगल यूज प्लास्टिक है या पॉलिथीन है जो गलियों में इधर उधर पर बिखरा पड़ा है उसको इकट्ठा करके हम अंबाला डिस्ट्रिक्ट को ऐसी चीजों से मुक्त करें, पॉलिथीन मुक्त हरियाणा को, हरियाणा के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट को बनाए। इसलिए हमने रेड पेकर से बात की है, ये जो सबसे गरीब तबका है जो इकट्ठा करता है इसको वैसे भी इकट्ठा करके हमारे पास लाए, उसके वजन के बराबर चावल ले जाए ताकि उसका भोजन की व्यवस्था हो जाए और हमारा शहर साफ सुथरा हो जाए, ये हमारा उद्देश्य है इसकी। जिस तरीके से ये पहल की गई है, इस तरीके के इनिशिएटिव्स जो है वो गवर्नमेंट को भी लेने चाहिए, तो इसके लिए क्या कुछ रहने वाला है आगे की तरफ, क्योंकि 20 तारीख तक ये मुहिम चलने वाली? हम इसको 20 तक मुहिम चलाएंगे और उसके बाद अगर हमें लगता है कि ये आगे कुछ और इसको एक्सटेंड करने की आवश्यकता है एक्सटेंड करेंगे। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी अंबाला के दानवीर हैं, चाहे राइस सेलर वाले हैं, चाहे एसोसिएशन हैं, सभी इसके लिए सभी हमारे को कोऑपरेशन दे रहे हैं, सभी सहयोग दे रहे हैं और उनका जितना चावल जरूरत होगी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो इसमें गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो मुझे आशा है कि हमारा शहर साफ सुथरा हो जाएगा और जितने भी रेड पीकर्स हैं उनके यहाँ भोजन का प्रबंध हो जाएगा, इसी उद्देश्य से इस स्कीम को चलाया गया। जी अशोक शर्मा, लोगों को कितना भारी है ये मुहिम, क्योंकि गरीब जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है प्लास्टिक के बदले चावल लेना, क्योंकि एक वक्त का खाना जरूर उनको इस मुहिम के जरिए मिल जाएगा। नहीं, उनसे मेरी बात हुई है कल, मैंने स्वयं जाकर के उसकी क्वालिटी चेक करके चावल की उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है चावल, तो बहुत खुश है वो। और आज ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बहुत होने वाली है, आज मुझे आशा है कि बहुत सारे व्यक्ति माल लेकर के आएंगे ऐसा, हमें पब्लिसिटी की बजाय ये अपने आप स्वयं सभी को बताएंगे। और अगर 3 घंटे 2 घंटे कोई रेड पीकर काम करके ऐसी चीजें शहर से निकाल के लाता है और उसको 2 किलो 4 किलो चावल मिल जाएगा तो उसके भोजन का प्रबंध हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि उनमें काफी जोश है और ये हमारी स्कीम काफी सफल होने वाली है। अशोक कुमार जी, जैसे कि आपने बताया पब्लिसिटी की बात की, तो ये माउथ टू माउथ ही है पब्लिसिटी या इसके लिए कुछ और भी किया गया है, क्योंकि काफी लोगों को पता भी नहीं होगा? हमने होर्डिंग्स भी लगाए हैं, हमने रेक्टिकल की मीटिंग भी ली है, हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सभी ऑफिसियल, सभी SDM, पूरा प्रशासन, इसमें सभी अधिकारी इसमें बहुत भाग ले रहे हैं और लगभग ये स्कीम सब तक पहुंच चुकी है और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ज्यादा मायने रखती है लोगों के लिए, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया आपको। जी, जो आज दूसरा दिन है, कितना पहले दिन और आज के दिन में कितना रश जो है देखने को मिला, कितना डिफरेंस, और आने वाले समय में किस तरीके की रहने वाली है मुहिम, आपको क्या लगता है? कल काफी लोग, महिलाओं को पुरुषों को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था चावल और वो बहुत खुश थे और उन्होंने कहा था कि हम बहुत मेहनत करेंगे और साथियों को भी बताएंगे, तो आज मुझे आशा है कि इस टाइम पे काफी अच्छा चल रहा होगा, शाम तक हम रिव्यू करेंगे हमारी आज क्या प्रोग्रेस रही। जी अशोक शर्मा जी, कौन कौन सपोर्ट कर रहा है इस मुहिम को, जैसे कोई NGO या फिर कौन कौन? सभी राइस सेलर्स वाले सपोर्ट कर रहे हैं, 189 राइस सेलर्स हैं हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने कहा इस सारे चावल का प्रबंध हम करेंगे। जी, और पहले हमारे रेड क्रॉस के पास चावल रखा हुआ था, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। जी, और किस तरीके का स्केड्यूल रखा गया है कि इतने बजे से इतने बजे तक आप प्लास्टिक ला सकते हैं तब आपको चावल मिलेंगे, ऐसा कुछ? और ऐसा कोई बात नहीं, अगर कोई 6 बजे के लिए जाएगा तो हम उसका भी ले लेंगे और वहाँ पे बंदे लगा रखे हैं हमने और वो इसके अंदर सभी का प्लास्टिक सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी पेमेंट कर रहे हैं, उसका रजिस्टर रिकॉर्ड बना रहे हैं और उसी के बदले उतना ही वजन का चावल उनको दे रहे हैं। जी अशोक शर्मा, जो सेंटर है वहां पर तकरीबन कितने लोग मौजूद हैं जो इस मुहिम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, चला रहे हैं?
नहीं, हमारे जो रेड क्रॉस के एम्प्लॉयज हैं, कुछ एनजीओ के बंदे हैं, स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, वो काफी सारे बंदे वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि सिर्फ ये प्रशासन का नहीं, ये जनता ने अपने हाथ में बीड़ा उठा लिया है और सभी से मदद कर रहे हैं। जो अशोक शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही अच्छी पहल आपने की है और हम आशा करते हैं कि गवर्नमेंट भी इस तरीके के इनिशिएटिव्स लेगी और आपकी इस पहल को आगे भी इसी तरीके से बढ़ाया जाएगा और ये मुहिम आगे भी इसी तरीके से चलती रहेगी। तो आपको बता दें कि प्लास्टिक के बदले चावल बांट रहा है प्रशासन, जिससे जो गरीब लोग हैं वो काफी खुश हैं। प्लास्टिक से निजात पाने का ये एक अनोखी पहल जो है वो शुरुआत की गई है, जिसमें आप जितने भी भार की प्लास्टिक लाते हैं उतना आपको चावल मिलेगा और गरीब तबके के जो लोग हैं वो इसमें काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और बेहद खुश नजर आ रहे हैं। प्लास्टिक से निजात पाने के लिए प्रशासन जुट चुका है।